वेलेंटिस यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ। 2017 में मेरठ फलाबदा के सोनाता गांव में हुए दोहरा हत्याकांड में आज अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश मेरठ ने 8 लोगों को हत्याकांड का दोषी पाते हुए सजा सुनाई है। दोहरे हत्याकांड में शामिल इन 8 लोगों के कृत्य के आधार पर आजीवन व अन्य सजा दी गई है। इस बीच हत्याकांड के चश्मदीद गवाह ने अपनी जान को खतरा बताते हुए सुरक्षा की मांग की है। चश्मदीद गवाह का कहना है कि हत्याभियुक्त सुंदर भाटी गिरोह से जुड़े हुए हैं, ये कभी भी उसकी हत्या करा सकते हैं। दरअसल 14 सितंबर 2017 को मेरठ फलाबदा के ग्राम सनौता में कार खड़ी करने को लेकर हुए विवाद में मनसाद व दिलशाद की गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई थी। इस बारे में शासकीय अधिवक्ता ने यह जानकारी दी। अपर जिला शासक था फौजदारी मेरठ। एक ये घटना थी 14/2017 की ग्राम सनौता की गांव की थाना फलाबदा, जिसके वादी थे कलीम। इसके दो भाई जिसका नाम था मनसाद और दिलशाद, दो लोगों को इनको 18 लोगों ने गोली चलाई, जिसमें से 8 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र माननीय न्यायालय में आया था और कल 8 के 8 लोगों को गिल्टी होल्ड कर दिया था और आज सजा पे सुनवाई के लिए पेश किया गया, जिसमें से 8 लोगों को 302 में आजीवन कारावास और 5,000 रुपये का दंड, 307 में 10 वर्ष का कारावास और 2,000 रुपये दंड, 147 में 2 वर्ष का, 148 में 3 वर्ष का, 504 में 2 वर्ष का और 506 में 2 वर्ष का, और एक अभियुक्त था रवि जिसके खिलाफ 25 सब्जेक्ट का मुकदमा भी था, उसके खिलाफ 3 वर्ष और 1,000 रुपये का दंड दंडित किया गया है और 9 गवाह इसमें पेश किए गए थे। सर, ये पूरा मामला हाईलाइट मामला था। ये एक मामला था जिसके 18 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई थी, जिसमें से 8 लोगों के खिलाफ चार्जशीट आई थी और जो दो मृतक थे, एक की उम्र 26 वर्ष थी मनसाद की और दिलशाद की उम्र 28 वर्ष थी। वो नाम तो विवेचना का पार्ट था, वो हम लोगों से संबंध नहीं होता, तो पुलिस ने नाम निकाले, उसके खिलाफ कार्रवाई जो होगी वो अलग मैटर है, लेकिन इसके खिलाफ केवल 8 लोगों के खिलाफ चार्जशीटें आई थी और जिन जिन शख्सों में चार्जशीट, सब में उनको दोषी करते हुए सजा दी गई, जिसमें से एक का नाम धर्मवीर पुत्र दरियाव है, अशोक पुत्र दरियाव है, दरिया पुत्र बादाम है, हाजी गुलफाम है, रवि पुत्र धर्मवीर है, मदन पुत्र दुर्गा है, साहिद पुत्र यासीन और आसिफ पुत्र जफीरा। मुख्य आरोपी सारे थे, लेकिन जिनसे तमंचे बरामद हुए, एक पहले सी हथियार बरामद हुआ था, जो मुख्य आरोपी था इसमें रवि था, लेकिन सारे हैं इसमें, क्योंकि बाप बेटा और पोता 3 एक्यूज हैं जो एक ही परिवार से हैं, धर्मवीर पुत्र दरियाव, अशोक पुत्र दरियाव और दरियाव पुत्र बादाम। उधर चश्मदीद गवाह मोहम्मद सुएब ने यह जानकारी दी। मेरा नाम मोहम्मद सुएब है, जो 237/17 का मैं चश्मदीद गवाह भी और वादी मेरा भतीजा है, और ये 2017 में मर्डर हुए थे मनसाद दिलशाद के, और इन लोगों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई थी। जो एक कुख्यात गुलफाम है, जो बहुत बड़ा हिस्ट्री शीटर है, नासिर हिस्ट्री शीटर है, शेरू गैंगस्टर था, और इन लोगों ने सभी एक राय होकर दो लड़कों की, दो भतीजों की दिन में ही गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई। उसके बाद इन लोगों ने बड़ी धमकी दी, मेरे पे वार भी गए, वादी के भी वार हुए, कचहरी में हमला हुए कई बार, लेकिन उसके बावजूद हम नहीं माने, हमें लालच दिया गया नहीं माने। उसके बाद इन लोगों ने भैया पे 6 मुकदमे लगाए, उसमें गुलफाम ने फर्जी तरीके से बिल्कुल षड्यंत्र रचकर हम पे मुकदमे लगाए गए, जिन मुकदमों में हम बेल पा गए, उसके बाद में कोर्ट में मुकदमे चल रहे हैं इन लोगों ने। उसके बाद हम जेल से आने के बाद हम ADJ 15 हर्ष अग्रवाल जी से मिले थे, जैसा आपसे अपनी पूरी बात रखी थी उनके पक्ष में कि हमारे साथ साथ ऐसे सब पीड़न हो रहा है, लेकिन जज साहब ने बड़े न्यायालय पर हमें भरोसा था। उसके बाद इन्होंने हमारी गवाही हुई, गवाही होने के बाद इसमें 9 गवाह आए, और उसके बाद आज जजमेंट हुआ, हमें बड़ी खुशी हुई कि इन लोगों को सजा मिली है, और अभी तक जान का खतरा बना हुआ है। कचहरी से सजा से 2 दिन पहले भी धमकी दी गई थी कि तुम्हें अभी बताएंगे हम 2 दिन बाद, तो हमें ऐसा लग रहा है कि हमारी हत्या ना हो जाए, क्योंकि ये लोग सुंदर भाटी गैंग से जुड़े हुए हैं, ये पहले भी आपराधिक किस्म के लोग हैं, इन्होंने कई हत्या हमारे गाँव में पहले करी है, दबाव में फैसला कर लेते थे ये लोग,
लेकिन इस बार पहली बार सजा हुई है इन लोगों को। हमें आशंका है कि गुलफाम हमारी हत्या करा सकता है, डॉक्टर शाहिद आसिफ, इन लोगों से हमें खतरा है अपने पूरे परिवार का, हमें फंसा भी सकते हैं किसी केस में और ये हमें हमारी जान भी ले सकते हैं, बस ये कहना है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वे बेल आइकन दबाना न भूलें। नमस्कार।